गाजा में जिस हमास का फन कुचलने का दावा इजरायली फौज ने किया था, अब वही हमास गाजा के अलग अलग हिस्सों में फन फैलाकर आईडीएफ को डसने में लगा है। एक तरफ जहां हिजबुल्ला इजरायल के ऊपर भीषण रॉकेट और ड्रोन हमले कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ गाजा आईडीएफ के लिए मौत का जाल बन गया है। ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि गाजा से आने वाले ये वीडियोस इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गाजा के जबालिया में आईडीएफ के ऊपर हुए अटैक की, जिसमें इजरायली सेना को अभी तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। इससे पहले कि हम आपको बताएं कि आईडीएफ को गाजा में क्या नुकसान हुआ है, उससे पहले आपको अल कासिम ब्रिगेड का ये वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो गाजा के जबालिया का है, जिसमें अल कासिम ब्रिगेड का एक लड़ाका एक रॉकेट नुमा विस्फोटक पर कुछ लिखता हुआ दिखता है। इसके बाद हमास के दो लड़ाके इस विस्फोटक को बाहर रास्ते में मलबे के नीचे दबा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमास का एक लड़ाका सीसीटीवी कैमरे के जरिए इस रास्ते पर नजर रखे होता है, और तभी वहां से आईडीएफ का एक मेरकावा टैंक गुजरता है, और जैसे ही ये टैंक बारूद वाली जगह पर पहुंचता है, वैसे ही हमास का लड़ाका रिमोट कंट्रोल से इस आईडी में ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से टैंक के परखच्चे उड़ जाते हैं। दरअसल इस धमाके में आईडीएफ की 401वीं आर्मर्ड ब्रिगेड के कमांडर कर्नल एहसान दक्षा और एक बटालियन कमांडर की मौत हो जाती है। उनके साथ कुछ और अधिकारी भी इस टैंक में मौजूद होते हैं। आपको बता दें कि कर्नल एहसान की उम्र 41 साल की थी और वो दलियत अल करमेल के ट्रूज कस्बे के रहने वाले थे। बड़ी बात यह है कि कर्नल एहसान आईडीएफ के सबसे सीनियर कमांडर्स में से एक थे, जिनकी गाजा की लड़ाई में जान चली गई है। वहीं 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने आईडीएफ के 4 कर्नल्स को मार गिराया था, और अब ये संख्या 6 पर पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि कर्नल एहसान की मौत टैंक के भीतर नहीं, बल्कि टैंक के बाहर हुई है। आईडीएफ की रिपोर्ट के मुताबिक वो अन्य अधिकारियों के साथ टैंक के बाहर कुछ ही मीटर दूरी पर मुआयना करने आए थे, तभी वहां मौजूद आईडी में ब्लास्ट हो गया। आईडीएफ के मुताबिक जहां पर ये ब्लास्ट हुआ, वहां पर बूबी ट्रैप लगा था, जिसमें कमांडर एहसान दक्षा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 52वीं बटालियन के कमांडर और 2 अधिकारी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और जिस वक्त यह हमला हुआ, उसी वक्त जवालिया कैंप में अल कासिम ब्रिगेड ने भी आईडीएफ के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला किया। अल कासिम ने इसका एक वीडियो भी रिलीज किया है, जिसमें दिख रहा है कि दूर एक बिल्डिंग में आईडीएफ के जवानों ने पोजीशन ले रखी है, तभी अल कासिम के लड़ाके उस बिल्डिंग पर रॉकेट लॉन्चर से हमला कर देते हैं, जिसमें जोरदार ब्लास्ट होता है। इसके बाद एक खंडर पड़ी इमारत में अल कासिम के 3 से 4 लड़ाके रॉकेट लेकर घुसते हैं, और वो उसके सामने जा रहे आईडीएफ के बुलडोजर पर ये रॉकेट फायर कर देते हैं। इसके बाद आईडीएफ के रास्ते में लगे एक बूबी ट्रैप को भी उड़ा दिया जाता है, जिसकी चपेट में आईडीएफ का एक टैंक आ जाता है। और इसके बाद हमास का एक लड़ाका मलबे के बीचों बीच खड़े एक टैंक पर रॉकेट फायर कर देता है। और इसके कुछ ही देर बाद एक लड़ाका मशीन गन से आईडीएफ के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगता है, और इस हमले के दौरान ही अलकुद्स के लड़ाके जबालिया कैंप के बीचों बीच
अलकसासिब में आईडीएफ के एक मरकावा टैंक पर आरपीजी दागते हैं और अलकुद्स के इस वीडियो में पहले तो दबे पांव दो लड़ाके हथियार लेकर गलियों में भागते नजर आते हैं। इसके बाद ये लड़ाके एक घर में छिपकर दूर खड़े आईडीएफ के दो टैंकों पर आरपीजी दाग देते हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इसके बाद वहां पर आईडीएफ के दो सैनिक भागते हुए नजर आते हैं। हालांकि इस हमले में आईडीएफ को कितना नुकसान हुआ इस बात की पुष्टि नहीं हुई है।